हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन से बने हुए कुछ शेप्स जैसे कि क्वाड्रिलैटरल, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रॉम्बस और फिर ट्रायंगल, इस तरह के शेप्स का हमने एरिया पता किया था। आज के इस वीडियो में उसका सेकंड पार्ट है ये। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टू डायमेंशनल शेप जो कि कर्व्ड लाइन से बनता है, जो कि होता है सर्कल, उस सर्कल का हम एरिया पता करेंगे। और वहीं से आगे, सर्कल का एरिया जब हम पता कर लेंगे, तो वहां से आगे हम एक कोन का भी एरिया पता कर सकते हैं। देखिए, ये एक कोन है, इसका ये बेस है, ये बेस देखे सर्कुलर बेस है, और ये कैसा टोपी जैसा बना हुआ है, ये एक कोन कहलाता है। इस कोन का भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया पता करेंगे। ये जो सरफेस एरिया है, इसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि सर्कल का एरिया कितना होता है। आपको पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर्ड होता है। किस तरह से होता है वही हमें देखना है। एक सर्कल मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहा एक सर्कल, बड़ा पतला सा सर्कल हो गया, इसे थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक बनाना है। एक सर्कल का जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है, वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका जो बीचो बीच वाला पॉइंट होता है, उस बीचो बीच वाले पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में जो होता है, बिल्कुल बीच में जो होता है, इस पॉइंट को हम इसका सेंटर कहते हैं। इस सर्कल का वो हो गया सेंटर। इसका प्रॉपर्टी क्या है? इसका प्रॉपर्टी यही है, ये वाला पार्ट आपको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, अभी मैं फिर से ड्रॉ करूंगा तो ये ओवरलैप्ड हो जाएगा। ओके, हल्का फुल्का आपको समझ में आ रहा होगा। इसका बेसिक प्रॉपर्टी ये होता है कि ये जो सेंटर है, सेंटर से इस सर्कल का कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर ले, ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, उन पॉइंट्स का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, सेम होता है, और उसी डिस्टेंस को हम इसका रेडियस कहते हैं, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। यही सर्कल का बेसिक प्रॉपर्टी होता है। और कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है कि सर्कल एक ऐसा शेप है जिसके जिसका हर एक पॉइंट, चाहे पॉइंट यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, जिसका हर एक पॉइंट किसी एक खास पॉइंट से सेम डिस्टेंस दूर होता है, और उस खास पॉइंट को उस सर्कल का सेंटर कहा जाता है। तो इसका जो एरिया है, एरिया मतलब ये जो जगह है, ये जगह कितना जगह ये घेर के रखा है, ये होता है इसका एरिया। लास्ट वीडियो में हमने इस पे बात किया था। इसका जो एरिया होता है, एरिया पता करने से पहले आपको जानना होगा कि सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 × π × r, 2 × π × इसका रेडियस। आप पूछेंगे ये पाई जो है ये क्या है? ये एक नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, 3.14 एंड सो ऑन, ये हमेशा चलते जाएगा, ये रैशनल नंबर नहीं है। अप्रॉक्सीमेट हम कर सकते हैं पाई को, पाई इज 3.14 और ये चलता जाएगा 14, आई थिंक 15 एंड सो ऑन। इसे हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 22/7, नॉर्मली हम 22/7 को यूज करते हैं, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रॉक्सीमेशन है। पाई एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर, जिसे कि इस तरह से डिफाइन ही किया जाता है। इसका डेफिनेशन ही ऐसा है कि एक सर्कल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब ये सीधा आप इसी लाइन को आगे बढ़ा दे, इस तरह से आगे बढ़ा दे, तो ये जो पूरा आपको लाइन मिला सर्कल का, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सेंटर होते हुए जो स्ट्रेट लाइन पार हुआ, ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को इसका डायमीटर कहा जाता है। और सर्कमफेरेंस जो है वो होता है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का, ये जो कर्व्ड लाइन से ये सर्कल बना हुआ है, इस कर्व्ड लाइन का पूरा लेंथ, उसे सर्कमफेरेंस कहा जाता है। पाई को डिफाइन ही ऐसा किया जाता है कि पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, चलिए सी से डिनोट करते हैं सर्कमफेरेंस को, डिवाइडेड बाय डायमीटर। सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, बाय डेफिनेशन ये पाई होता है।
आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि पाई का जो वैल्यू है ये आया कहाँ से, ये रैशनल है कैसे, इसे डिराइव कैसे किया जाएगा। तो इसका डेरिवेशन इतना आसान नहीं है, इसका डेरिवेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। स्टैंडर्ड 9th 10th लेवल पे ये बहुत मुश्किल होगा इसे डिराइव करके समझाना। आप में से कुछ कुछ जरूर समझ जाएंगे, जिनको इंटरेस्ट है वो जरूर, बहुत सारे बेहतरीन चैनल्स हैं वहां पर जाके आप इसका डेरिवेशन को देख सकते हैं। लेकिन इन जनरल स्टैंडर्ड 9th 10th लेवल पे इसका जो वैल्यू है, इस वैल्यू को डिराइव करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैच्योरिटी भी चाहिए, मैथमेटिकल मैच्योरिटी चाहिए उसे समझने के लिए। तो वो सारी चीज़ें नॉर्मली स्टैंडर्ड 9th 10th लेवल पे इन जनरल नहीं होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी के पास वो नहीं है, बहुतों के पास वो होगा। तो इस पार्ट को फिलहाल आप फिलहाल ये मान के चलिए, बेहतर होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें मान के चलना पड़ता है, नहीं तो एक डेड लॉक क्रिएट हो जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास एडवांस्ड कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर इसे आप समझ नहीं पाएंगे। और इसे समझने के चक्कर में अगर आप रुक गए, यहीं पर अटक गए कि क्या है, इसे समझना ही है, समझना ही है, समझना ही है, देन प्रॉब्लम ये होगा, इसे समझना तो मुश्किल होगा ही क्योंकि एडवांस्ड कॉन्सेप्ट चाहिए और आप आगे उस एडवांस्ड कॉन्सेप्ट तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह के सिचुएशंस को डेड लॉक कहा जाता है कि आप वहां से फिर आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा आपको कि फिलहाल आप ये मान के चलिए पाई एक इरेशनल नंबर है एंड दैट उसका वैल्यू जो है 3.1415 एंड सो ऑन, ये हमें चलते जाएगा। और इसे अप्रॉक्सीमेटली हम 22/7 कह सकते हैं। आपको ये देख के लगता है, बहुतों को, ये तो रैशनल नंबर है भाई, ये तो दो इंटीजर का रेशियो है पाई, लेकिन ये इसका प्रॉपर वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्लोज अप्रॉक्सीमेशन है ये, मतलब उसका करीब करीब वैल्यू बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। वेल, पाई को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि दैट इज सर्कमफेरेंस ओवर सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय इसका डायमीटर, जो भी सर्कमफेरेंस है ये सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय इसका डायमीटर, चाहे सर्कल कैसा भी ले ले, ये जो रेशियो होगा उस सर्कल का सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो हमेशा एक फिक्स्ड नंबर देगा जो कि है पाई। उसे पाई डिफाइन किया गया, उसका वैल्यू जब कैलकुलेट किया गया तो वो वैल्यू ये निकल के आया एक इरेशनल नंबर। अभी अगर मैं डी को सब्स्टिट्यूट करता हूं, बिकॉज डायमीटर का ठीक आधा होगा रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस, मतलब 2 रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। तो डायमीटर को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो यहां पर डी के जगह आएगा 2r। तो फिर यहां से आप कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस जो है दैट सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला आया 2 पाई आर, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई इंटू उसका रेडियस। अब यहां से हम आगे बढ़ के इसका जो एरिया है उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। कैसे इवैल्यूएट करेंगे देखें, यहां से हम इसे इवैल्यूएट करने के लिए इस सर्कल को हम पतले 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 टुकड़ों में काट लेंगे। किस तरह से देखें, किस तरह से पतले पतले टुकड़ों में काटेंगे, यहां से मैंने एक इस तरह से पतला सा स्ट्राइप यहां से काट लिया, ये देखे, यहां से एक और पतला स्ट्राइप हमने काट लिया। ये जो हम पतला पतला स्ट्राइप्स काट रहे हैं, ये पतला बहुत 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 पतला है, थॉट एक्सपेरिमेंट है, तो हम कितना भी पतला इसे काट सकते हैं, इन रियलिटी तो हम इसे काट नहीं रहे, हम इसे अपने थॉट में, अपने अपने इमेजिनेशन में हम इसे काट रहे हैं। इसे हम जितना पतला करते जाएंगे, ये सेक्शन जो है, जो कि नॉर्मली आपको कर्व्ड दिख रहा है, ये वाला सेक्शन इस तरह से कर्व्ड है, जितना आप पतला काटते जाएंगे ये उतना स्ट्रेट लाइन बनते जाएगा, उतना ज्यादा स्ट्रेट बनते जाएगा। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, मैं तो फिलहाल इसे काट के उतना दिखा नहीं सकता हूं, आप नॉर्मल कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब आप स्पेस से जब आप अर्थ को देखते हैं, धरती को देखते हैं, उस समय आपको धरती इस तरह का गोल गोल दिखता है, एक स्फीयर जैसा दिखता है, गोल होता है ये। लेकिन आप सोचिए, अर्थ तो गोल है, स्फीयर है, लेकिन आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ ऐसा मुड़ा हुआ है, आपको क्या दिखता है, बिल्कुल सपाट दिखता है,
मैदान बिल्कुल सपाट दिखता है आपको, जितना दूर दिखता है वो बिल्कुल सपाट दिखता है। हाँ भले ही उबड़ खाबड़ चीजें उसको इग्नोर कर दीजिए, बाकी जहां पर आपको सपाट मैदान दिख रहा हो, सपाट खेत दिख रहा हो, आपको बिल्कुल सीधा दिखता है, वहां पर आपको मुड़ा हुआ नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आप इसके रिस्पेक्ट में इतने छोटे हैं, मिनिस्क्यूल है, बहुत छोटे, बहुत छोटे। मैं तो वहां उतना छोटा ड्रॉ भी नहीं कर सकता। आप इतने छोटे हैं कि वो जो कर्व्ड स्पेस है यहां पर, ये जो कर्व्ड रीजन है, वो आपको फ्लैट दिख रहा है। मतलब क्या, अगर मैं इस स्ट्राइप को बहुत 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 पतला पतला काटू, बहुत पतला, तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन को टेंड करते जाएगा। मतलब जितना पतला उतना ज्यादा ये कर्व्ड लाइन स्ट्रेट लाइन की तरफ कन्वर्ट होते जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, हम मान सकते हैं अब इसे इतना पतला काटा गया, मिनिमम पॉसिबल जो पतला हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल हमने उसे पतला करके काटा, तो ऐसे स्थिति में ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ऑलमोस्ट 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 स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्ट्राइप उठाते हैं, ऐसे ऐसे एक स्ट्राइप हमने उठाया और ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया, बहुत पतला है। मुझे आपको समझाने के लिए इसे मोटा ड्रॉ करना पड़ रहा, चौड़ा, लेकिन ये है बहुत 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 पतला। तो एक स्ट्राइप को हमने इस तरह से रखा, अब दूसरे स्ट्राइप को, ये एक नंबर स्ट्राइप है, इसे हमने इस तरह से रखा, दूसरे स्ट्राइप को हम ठीक इसके उल्टे तरीके से इस तरह से रखेंगे, ऐसे, ये दूसरा स्ट्राइप है। अब तीसरा स्ट्राइप को हम फिर से ऐसे रखेंगे, फिर से सीधा करके रखेंगे, तीसरा स्ट्राइप ऐसे, ये थर्ड स्ट्राइप है, तीसरा स्ट्राइप को हम ऐसे रखेंगे इस तरह से, ये थर्ड हो गया, और फिर फोर्थ स्ट्राइप जो होगा, चौथा वाला स्ट्राइप, बराबर बराबर काटेंगे हम लोग, एक मोटा एक पतला ऐसा नहीं, बराबर बराबर काटेंगे। तो फिर फोर्थ स्ट्राइप को हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से स्ट्राइप्स को हम रखते जाएंगे, ये चौथा स्ट्राइप हो गया। इस तरह से स्ट्राइप्स को हम रखते 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 जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस तरह से मिलेगा एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल मिलेगा। आपको लग सकता है यहां पर ये 90 डिग्री तो नहीं बनेगा, लेकिन इसे इतना पतला काटा ही गया है, बहुत पतला काटा गया कि यहां पर एंगल 90 डिग्री के बहुत 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 करीब होगा। आप जितना पतला काटेंगे वो उतना 90 डिग्री के करीब होगा। आप मिनिमम पॉसिबल पतला काटे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा और यहां पर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि आप देखें यहां पर ये लेंथ जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, ये वाला लेंथ आपको यहां पर दिख रहा है, ये वाला लेंथ आपको फिर आगे यहां पर दिख रहा है, ये वाला लेंथ आपको फिर आगे यहां पर दिख रहा है। मतलब ये बना कि आप अगर इस पूरे लेंथ को कंसीडर करें, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये वाला लेंथ, ऊपर वाला ये लेंथ और नीचे वाला ये लेंथ, टोटल करेंगे तो कितना होगा, इसका सर्कमफेरेंस बन गया वो, क्योंकि यही पार्ट यहां पर है, ये पार्ट यहां पर है, फिर आगे यहां का पार्ट यहां पर रहेगा, फिर आगे यहां का पार्ट फिर आगे रहेगा, नीचे भी वही है, ये वाला पार्ट यहां पर है, ये वाला चौथा पार्ट यहां पर है। तो इस तरह से आप देखें, ये जो इसका सर्कमफेरेंस है दैट इज इक्वल टू यहां से यहां तक का लेंथ प्लस यहां से यहां तक का लेंथ, और सर्कमफेरेंस है कितना, 2πr, और ऊपर वाले इस लेंथ को और इस लेंथ को बराबर होना है, मतलब ये हो गया πr और ये हो गया πr। अब आप देखें ये जो है एक स्ट्राइप का ये वाला लेंथ क्या है, इसका रेडियस है, और वही लेंथ आपको यहां से लेके यहां तक दिख रहा, तो ये रेडियस है। आपको यहां पर एक ऐसा रेक्टेंगल मिल गया जिस रेक्टेंगल का ब्रेथ है r और जिसका लेंथ है पाई r। और रेक्टेंगल का लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो इसका, इस सेक्शन का एरिया हो जाएगा लेंथ विच इज पाई r इनटू इसका ब्रेथ जो कि हो जाएगा r, दैट इज इक्वल टू पाई इनटू r स्क्वायर, पाई विच इज 3.14 एंड सो ऑन, जिसे कि अप्रोक्सीमेटली हम 22/7 कह सकते हैं, वो पाई इंटू उसका रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सर्कल का रेडियस। क्यों? क्योंकि सर्कल का एरिया, क्योंकि
क्योंकि इसका जो एरिया होगा एग्जैक्टली वही इन सारे स्ट्राइप्स का मिला जुला एरिया होगा, और सारे स्ट्राइप्स तो इसी सर्कल से आया हुआ है, तो सारे स्ट्राइप्स का जो एरिया होगा वो इस सर्कल का टोटल एरिया होगा या इस सर्कल का एरिया होगा। दैट मीन इस सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम सर्कल के एरिया को पता कर सकते हैं। अब देखिए यहां से आगे हम कोन का भी एरिया पता कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोन को काटना होगा, कोन को काट के देखना होगा क्या मिलता है हमें। कोन को काटने से हमें सर्कल का ही एक पार्ट मिलेगा, सर्कल का पार्ट मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा। सर्कल का एक पार्ट जिसे कि सेक्टर कहा जाता है, वो सेक्टर हमें मिलेगा। लेट्स सी कैसा सेक्टर बनता है। पहले तो उस कोन को हम ले आएंगे फिर काटेंगे। सबसे पहले उस कोन का कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज यहां पर देख लेते हैं। ये है वो कोन। कोन का प्रॉपर्टी, ये जो बेस है, ये जो बेस सर्कुलर बेस, उसका रेडियस अगर आर हुआ, यहां पर ये जो रेडियस है सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस अगर आर हुआ, और इसका जो स्लैंट हाइट है, इसका दो हाइट होता है, एक तो इसका हाइट यहां से कितना ऊंचा है वो, यहां से लेके यहां तक कितना ऊंचा है इसे इसका हाइट कहा जाता है, और यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है इसे इसका स्लैंट हाइट कहा जाता है। जब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम पता करते हैं तो इसके रेडियस और स्लैंट हाइट के टर्म में इसका हम एरिया पता करते हैं। तो यहां पर पहले तो मैं कोन को यहां पर एक बार ड्रॉ कर लूं। यहां पर इस जगह पे कोन को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये इसका सर्कुलर बेस, और ऐसे टोपी की तरह ये बन गया कोन। तो हम इस कोन का एरिया किसके टर्म में पता करेंगे, एक तो इसका सर्कुलर बेस का रेडियस, और दूसरा यहां पर इसका जो स्लैंट हाइट है जिसे कि L से डिनोट किया जाता है, इसके टर्म में हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पता करेंगे। तो आप देखिए अगर मैं इस कोन को मैं काटता हूं, मैं यहां से काट लेता हूं, यहां से सीधा मैंने इसे काट लिया इस तरह से। काटने से देखिएगा हमें सर्कल का एक सेक्टर मिलेगा। सेक्टर क्या है अभी आप समझ जाएंगे, सर्कल का ही एक पार्ट मिलेगा। हाँ, कट गया ये। अब देखिए यहां पर हमें क्या मिला, हमें सर्कल का एक पार्ट मिला। ये क्या है, ये इस तरह से सर्कल पूरा सर्कल था, उसी सर्कल का हमें एक पार्ट मिला। अभी आप गौर से एक बार देख ले इस चीज को। यहां पर ये इसका स्लैंट हाइट था, वही स्लैंट हाइट अब जिस सर्कल का ये पार्ट है उस सर्कल का रेडियस बन गया, यही स्लैंट हाइट था। आप फिर से एक बार देख ले, ये इसका स्लैंट हाइट था, ये स्लैंट हाइट था। जब ये खुला तो यहां से लेके यहां तक वो स्लैंट हाइट है, एल है, यहां से लेके यहां तक एल है। और आप गौर से देखिए ये जो पार्ट होगा ये कौन सा पार्ट होगा, ये इस सर्कल का सर्कमफरेंस होगा। ये वाला जो सर्कल है इस सर्कल का सर्कमफरेंस होगा। आप फिर से एक बार देख ले, ये सर्कल है सर्कल का सर्कमफरेंस, यहां से लेके पूरा यहां से लेके घूम के यहां तक सर्कमफरेंस हो गया। आप ठीक से देख ले एक बार, यहां पर ये सर्कल है, ये इसका ये जो लेंथ है ये इसका सर्कमफरेंस है। मैं इसे खोल रहा हूं, ये खुल गया। तो जैसे ही खुल गया देखिए यहां से लेके यही मुड़ के वो नीचे वाला सर्कल बना था, तो ये वाला लेंथ हो गया इसका सर्कमफरेंस, नीचे सर्कुलर जो बेस है उसका सर्कमफरेंस हो गया। सबसे पहले तो देखिए ये इसका सेंटर, हमें किस तरह का पार्ट मिला, हमें इस तरह का एक सेक्टर मिला, इस तरह का एक सेक्टर मिला। इस सेक्टर में ये जो बड़ा सर्कल का पार्ट है, ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर को मोड़ के हमने इस कोन को बनाया था। तो फिर ये पार्ट हो गया L, यहां से लेके यहां तक हमने क्या देखा, वो इस स्लैंट हाइट के बराबर है। और ये जो लेंथ है, ये यहां पर मुड़ा हुआ ये जो लेंथ है, यहां से लेके ऐसे यहां तक, ये हो जाएगा नीचे वाला बेस का सर्कमफरेंस। और बेस का सर्कमफरेंस हम क्या कहेंगे, 2 into pi into this r, so 2 into pi into r। ये r इसका रेडियस नहीं है, ये r इसका रेडियस है।
इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस एल है, ये ध्यान रखे। मैं अभी फिलहाल इसे डॉटेड कर दे रहा हूं, क्योंकि 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 जो असली असली पार्ट है, असली चीज है, वो असली चीज ये वाला है। बाकी ये जो डॉटेड पार्ट देख रहे हैं, ये वो सर्कल है जिस सर्कल का ये हिस्सा है, ये सेक्टर। इसे खोल के जो हमें ये वाला सेक्टर मिला, वो जिस सर्कल का हिस्सा है वो सर्कल है ये। ओके, अब आप देखें, हमें क्या करना होगा, हमें इस सेक्टर का एरिया पता करना होगा, जो कि बराबर होगा इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के, क्योंकि यही इसका कर्व्ड सरफेस खुल के ये सेक्टर बना हुआ है। कैसे पता करेंगे भाई? सबसे पहले तो देखें, ये सेक्टर ओरिजिनल, या जिस सर्कल को काट के हमने सेक्टर को बनाया है, ये सेक्टर उस सर्कल का कितना पार्ट है, कितना भाग है। सो हम हाउ मच पार्ट, कितना पार्ट है ये सेक्टर इस सर्कल का, वो सबसे पहले हम पता करेंगे। तो कितना पार्ट है, अगर ये इस तरह का होता, ऐसा अगर सेक्टर हमें मिलता बिल्कुल आधा आधा, तो हम कहते हैं आधा पार्ट है। अगर 1/4 हमें मिलता, यहां से लेके यहां तक ऐसा सेक्टर मिलता हमें, तो कहते हैं 1/4 पार्ट है, या 1/4 पार्ट है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यहां पर हमें कैलकुलेट करना होगा। हम ऐसे बिना कैलकुलेट किए हम बोल नहीं सकते हैं कि कितना पार्ट है, आधा है, 1/3 है, 1/4 है, या 7/19 है, क्या है, वी डोंट नो। कैसे पता करेंगे कितना पार्ट है, कैसे पता करेंगे, उसे पता करने के लिए देखिए कितना पार्ट वो हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये वाला लेंथ देख ले, ये वाला लेंथ, ये सेक्टर का हिस्सा है, और यही इसी का इक्विवेलेंट पार्ट अगर आप इस सर्कल का देखें, तो सर्कल के लिए ये पूरा इतना बनेगा। सर्कल का मैं फिर से एक बार कर रहा हूं, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, दैट मीन यहां से लेके ये पूरा, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा 2 × π × इसका रेडियस, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस, जो कि बराबर है एल के। सो 2πL, 2πL क्या है, 2πL है यहां से लेके ऐसे घूमते हुए पूरा सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो है 2πL। ये सेक्टर उस सर्कमफेरेंस का कितना पार्ट को कवर करके रखा है, वो है 2πR। यहां से लेके यहां तक का लेंथ है 2πR। तो ये सेक्टर इस सर्कल का कितना पार्ट होगा, 2πR डिवाइडेड बाय, सर्कल के लिए होता तो सर्कमफेरेंस होता तो कितना होता, 2πL। सो ये इसका इतना पार्ट हो गया, ये सेक्टर जो है बड़ा सर्कल का इतना पार्ट हो गया। आप कैंसिल कर दे, यहां से आपको मिलेगा R डिवाइडेड बाय L, तो इतना पार्ट हो गया सेक्टर का, सेक्टर सर्कल का R डिवाइडेड बाय L पार्ट हो गया। R डिवाइडेड बाय L कुछ भी हो सकता है, 1/3 हो सकता है, देख के तो लग रहा है लगभग 1/3 है, आप कैलकुलेट करेंगे इस तरह के सिचुएशन में, तो ये 1/3 के करीब ये निकल के आएगा। अब यहां से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि सेक्टर का एरिया कितना है। अगर आप इस पूरे सर्कल का एरिया देखें, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होना चाहिए, π × इस सर्कल का जो रेडियस है L, उसका स्क्वायर। सो πL स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया होना चाहिए। लेकिन ये सेक्टर उसी सर्कल का इतना भाग है, तो फिर उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, जो कि ऑब्वियसली बराबर होगा इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के, वो बराबर हो जाएगा सर्कल का एरिया इनटू इस सर्कल का कितना पार्ट है। अगर आधा है, ये अगर आधा होता 1/2 या 1/2, तो हम सीधा, अगर मान ली ये आधा होता, ये सेक्टर हमें ऐसा मिलता, तो सेक्टर कितना भाग हो गया सर्कल का, आधा भाग हो गया। तो फिर सर्कल का जो टोटल एरिया है उसके साथ वही आधा मल्टीप्लाई करने से तो हमें सेक्टर का एरिया मिलता। और अगर सेक्टर 1/4 होता, ये वाला अगर सेक्टर होता, तो फिर हम सर्कल का टोटल एरिया के साथ 1/4 या 1/4 को मल्टीप्लाई कर देते, तो इसका एरिया निकल के आ जाता। सो उसी लॉजिक से हम यहां पर कह सकते हैं कि चूंकि सेक्टर सर्कल का इतना पार्ट है, सर्कल का एरिया अगर इतना होगा,
तो सेक्टर का एरिया होगा पाई एल स्क्वायर्ड, दिस वन मल्टीप्लाइड विथ कितना पार्ट है, आर डिवाइडेड बाय एल। ये एल इस एल न्यूमेरेटर के एक एल को कैंसिल कर दे, आपको क्या मिलेगा, पाई एल इंटू आर। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं पाई आर एल। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया कर्व्ड सरफेस एरिया। यहां पर मैं फिर से बता दूं आपको, आर क्या है, इसका रेडियस नहीं है, आर क्या है, इसका रेडियस है। मतलब ये जो कोन था, कोन का जो बेस है सर्कुलर बेस, उस सर्कुलर बेस का रेडियस है आर। और एल क्या है, इसका स्लैंट हाइट है, सीधा हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट। सो स्लैंट हाइट और रेडियस, सर्कुलर बेस के रेडियस, उसके टर्म में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आता है कोन का, जो कि होता है पाई इंटू आर इंटू एल, पाई इंटू रेडियस ऑफ द बेस इंटू स्लैंट हाइट। अगर आपको टोटल एरिया पता करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपने पता कर ही लिया है, ये पाई आर एल ये पता कर लिया है। अब आपको नीचे वाला ये जो हिस्सा है, इस हिस्से का एरिया पता करना होगा, इसके साथ आपको जोड़ देना होगा, नीचे वाला हिस्से का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर्ड, पाई इंटू ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस का स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर्ड। सो टोटल सर्फेस एरिया निकल के आ गया। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। Goodbye.